खबर रीवा जिले से है, जहां जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहगढ़ के सामुदायिक भवन में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व डीएसपी वीडी पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता की वरिष्ठ समाज सेवी ब्रिजेंद्र पांडे ने। सर्वप्रथम महापुरुषों की तस्वीरों में माल्यार्पण किया गया, उसके बाद लोहगढ़ सरपंच ने मुख्य अतिथि व कार्यक्रम के अध्यक्ष को माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में लोहगढ़ निवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीडी पांडे द्वारा लोगों को समाज में फैली सभी तरह के नशा के दुष्परिणाम और होने वाले आर्थिक व सामाजिक क्षति के बारे में बताया और उपस्थित लोगों को नशा से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारियां दी। तत्पश्चात उपस्थित समस्त जनों को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई। लोगों ने नशा से मुक्ति के लिए शपथ ली और जीवन भर नशा न करने की बात कही। उसके पश्चात लोहगढ़ पंचायत में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के पात्र आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों की समीक्षा की तथा लोगों को यह भरोसा दिलाया कि आम जनता को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए जनपद के अधिकारी व सरपंच सचिव सभी निरंतर कार्यरत हैं। उसके उपरांत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी ब्रिजेंद्र पांडे ने लोगों को नशा के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं से यह आग्रह किया कि अपने घर के पुरुषों को नशा से दूर रखने की बात कही और नशा से होने वाले आर्थिक शारीरिक एवं सामाजिक क्षति से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नशा नाश का जड़ है, कोई भी नशा हो उससे सिर्फ विनाश होता है। लोगों को नशा के प्रति जागरूक होना होगा और समाज से इस बुराई को सभी को मिलकर दूर करना होगा। इसके बाद लोगों को नशा से दूर रहने और नशा ना करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शपथ दिलाई गई। सब समझ रहे हैं कि मैं आज से ना तो नशा करूंगा और ना ही अपने पड़ोस के अपने बच्चों को कोई नशा करने देंगे। इस दिशा में हम सभी एक जन जागरण अभियान संचालित करेंगे। चाहे उनके घर का पति हो, चाहे दूसरे उनके किसी सहेली का हो, अगर वो इस तरह से शराब पीकर घरों में आता है, नाटक करता है, तो सभी लोग मिलकर उसका बहिष्कार करें, उसको सामाजिक दंड दें। कभी कभी अखबारों में तमाम मीडिया चैनल भी ऐसे किस्से आते हैं कि औरतों ने इस पर बहुत सुधार किया है, बहुत कंट्रोल किया है लोगों ने। अभी लगिए सरपंच साहब से बोलिए, इनके माध्यम से जो चीज हो जाती है उनसे करवाइए, फिर ये हमको बताएंगे जनपद में, हम इंतजाम करवाएंगे, ठीक है ना। और देखिए उसमें आप लोगों को लगने की जरूरत है, जब आप स्वयं लगेंगे हम जो है आपका सहयोग करेंगे, सरपंच साहब का सहयोग करेंगे, ठीक है ना। तो हमें इस दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है।